हाय एवरीवन, ये स्पेशल नोट, ये स्पेशल वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जिनका कल SBI PO का पेपर है या फिर जिनका IBPS PO प्री का पेपर है। गाइस, मैं आपको जो आज पैटर्न बताने वाला हूँ पज़ल की, इस तरह के पज़ल्स आप ज़रूर करके जाइएगा एग्ज़ाम से पहले, जिसके अंदर कुछ इन चीज़ें इंक्लूड हैं। लाइक अगर मैं आपको बात करूँ पज़ल्स की, जिसमें आपको केवल दो वेरिएबल की पज़ल सबसे ज़्यादा सॉल्व करनी है। मंथ दिए हुए हैं तो मंथ के साथ सपोज करिए आपको 8 मंथ दे दिए हैं, या 8 बॉक्स आपको दे दिए हैं, या 8 फ्लोर आपको दे दिए हैं, उसके साथ पर्सन तो होगा ही होगा। लेकिन पर्सन के अलावा हो सकता है उनके 8 डिफरेंट प्रोफेशंस हो, उनके कलर्स हो सकता है उनके पास कोई नंबर हो सकता है उन्हें कोई डिस्ट्रिक्ट पसंद हो या उनका कोई प्रोफेशन हो। लाइक तो पहले ये पजल ज़रूर करके जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और इसके लिए आप मेरी स्पेशल फ्री क्लास में जाइए, S1 लाइव कोड अप्लाई करिए और सारी की सारी इस तरह की पजल्स आप कर डालिए। सेकेंड थिंग, जो आपके पास फ्लोर के साथ फ्लैट आ रहे हैं, उस फ्लोर एंड फ्लैट के अंदर भी आपको डबल वेरिएबल करना है, क्योंकि SBI PO ऑलरेडी अपने प्रीवियस एग्जाम के अंदर ये चौंका चुका है। तो आपको क्या करना है कि सपोज करिए 3 फ्लोर और 4 फ्लोर पे ही करना, ऐसा नहीं कि आप 5 या 6 फ्लोर या 7 फ्लोर पे कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है उसका। आपको 3 या 4 फ्लोर पे 2 फ्लैट के अंदर इस तरह के क्वेश्चन करने हैं, जिसमें ये जिक्र हो कि हाँ ये 9 लोग हैं या फिर ये वैकेंट है, बंदे 8 हैं, एक वैकेंट है, और टोटल आपके पास इंक्लूडेड 9 फ्लैट हो गए हैं या 6 फ्लैट हो गए हैं, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन जिसके अंदर कलर का जिक्र हो, या फिर हो सकता है कि उन्हें किसी किसी तरह की कोई चीज़ उन्हें पसंद हो, या उनके कोई फ्रूट्स या कोई भी कोई भी एक चीज़ जो एक्स्ट्रा वेरिएबल की काउंटिंग में आता है उसको आपको देखना है। सेकेंड थिंग, देखिए अभी मैं आपको बताऊँ, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के ऊपर SBI PO ने क्वेश्चन नहीं दिया, तो द सेम थिंग इज वॉट वी कैन से कि अब हमारा जो IBPS PO का पेपर होगा, वो IBPS PO के पेपर में हमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चन मिलेंगे। तो वो लेटर सीरीज हो सकती है, वो मिक्स हो सकती है, वो या फिर नंबर सीरीज हो सकती है। तो वो जो वर्ड वाली सीरीज होती है, जैसे तीन तीन लेटर तीन तीन वर्ड तीन तीन लेटर मिलके एक वर्ड बनता है, या 4 लेटर मिलके एक वर्ड बनता है, उस तरह के क्वेश्चन अभी तक आए नहीं है, SBI PO ने अपनी शिफ्ट में पूछे नहीं है। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि इस बार IBPS PO में वैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट थिंग इज वॉट कि आपको लीनियर और सर्कल के ऊपर क्वेश्चन करने हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के लीनियर सर्कल पे क्वेश्चन आए हैं, जिसमें 7% 8% के क्वेश्चन थे, तो आपको अननेसेसरी 12-15 लोगों वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। डबल रो वाला क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन है, और SBI ने मैक्सिमम शिफ्ट के अंदर 2 रो का वाला क्वेश्चन, जिसमें 12 लोग होते हैं या 14 लोग होते हैं या 10 लोग होते हैं, वो पूछा ही पूछा है। तो ये जो पैटर्न मैंने आपको बताए हैं, ये सारे पैटर्न आपको मेरे यूट्यूब सेशन में मिल जाएंगे, आपको मेरी स्पेशल फ्री क्लासेस में मिल जाएंगे, और अगर आप प्लस के एस्पायरेंट हैं तो क्या कहना, आप सीधे जाइए मेरी प्रोफाइल पे जाइए, फॉलो करिए, और वहाँ से आप मेरे जितने भी प्री वाले बैचेज हैं उन सबसे PDF आप डाउनलोड करो, प्रैक्टिस करो। आपको इसके लिए कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है, मेरे सेशंस इनफ हैं, आप बस निकालने की कष्ट आपको करना पड़ेगा, एंड अप्लाई ऑल द सारी की सारी पजल्स को सॉल्व कर लीजिए, सारी की सारी पजल को अगर आपने वो सारी प्रैक्टिस कर ली, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको IBPS PO प्री के एग्जाम के अंदर किसी भी तरह की परेशानी होगी। मैं इस तरह से आगे आपको और सजेस्ट करने वाला हूँ कि आप DI में किस तरह के पैटर्न करके जाएं, या फिर इंग्लिश के अंदर आप किस तरह के सेशंस को देख सकते हैं सर या मैम के, सो दैट कि आप अपने ओवरऑल, क्योंकि किसी भी एक सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करने से मैटर नहीं करता है, मैटर करेगा हमें ओवरऑल बेस्ट स्कोर करना है, अच्छा स्कोर करना है, सो दैट कि हमारे 65 से 70 तक हम पहुंच जाएं विद 100% एक्यूरेसी। और उसके लिए आपको स्पीड पे काम करना है, एक्यूरेसी पे काम करना है, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। सो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बेस्ट ऑफ लक, मचाते हैं मिलके IBPS PO के एग्जाम में, एंड जिनका कल पेपर है उन सभी को भी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।